नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और आज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। 22 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। मध्य प्रदेश के चंदेरी में मंदिरों में शिव भक्तों का जन सैलाब दिखाई दिया। विधि विधान से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया। छिंदवाड़ा के मोक्षधाम स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सुबह से ही दर्शन के लिए तांता लगा रहा। सावन के आखिरी सोमवार पर सतना से 40 किलोमीटर दूर बीरसिंहपुर में स्थित गैवीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, तो वहीं मंदसौर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को दर्शन कराए गए। नागदा के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही मुंगेली के शंकर देव मंदिर में तो सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। जबलपुर में भक्तों ने शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया। रायपुर की बात करें तो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर बुढ़ेश्वर भोलेनाथ में जलाभिषेक किया गया। गुलाबी नगरी में भी माहौल भक्तिमय नजर आया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सभी मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे सुबह से ही गूंज रहे हैं। जैसा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और सावन भगवान महादेव को काफी प्रिय माना जाता है और इसी के चलते लोग सावन के महीने में शिव भक्ति में लीन रहते हैं और शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान देश भर में मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। चंबलगढ़ का 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ राजा जन्मजी के द्वारा स्थापना की गई थी। यहाँ हमारे परिवार के द्वारा केलों का भोग लगाकर चौथे सोमवार को प्रसाद किया गया। सभी को सावन सोमवार की शुभकामना है। बाबा का आशीर्वाद सभी को सदा बना रहे। कोविड की भी दूरियां बना कर रखें, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, सभी को नियमों का पालन करना के लिए अनिवार्य है। और माता से प्रार्थना है कि सभी को सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करें। सावन महीने का अंतिम सोमवार आज जो है काफ़ी श्रद्धालु सुबह 4 बजे से आ रहे हैं और भीड़ लगातार मतलब कम होने का नाम नहीं है। अभी शाम को 4 बजे के बाद श्रृंगार होगा, उसके बाद भी रात को 12 बजे तक मंदिर खुला है। तब तक श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो लगातार क्रमानुसार चलते रहे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग श्रद्धालुओं को धीरे धीरे करते हुए भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं, साथ ही साथ प्रसाद वितरण बंद रखे हैं। अंतिम सोमवार में इस मोहल्ले के सभी नौजवान युवक अमरकंटक जाते हैं, अमरकंटक से पैदल जल लेकर आते हैं। वही बोलबम जो है यहाँ आकर जल चढ़ा चुका है। आज सुबह 8 बजे के आसपास वो लोग यहाँ पहुँचे अमरकंटक से और वो लोग जल चढ़ाकर जा चुके हैं। जिन महादेव के मुख हैं उनके श्री चरणों में दास का आना हुआ, चौमुखनाथ भगवान का महारुद्राभिषेक किया। चूँकि श्रावण माह का पावन पर्व चल रहा और जिसका आज सोमवार है, ऐसे शुभ दिवस पर बागेश्वर बालाजी की दया से श्री चौमुखनाथ महादेव जो हमारे बुंदेलखंड का अद्भुत स्थान है और बुंदेलखंड की इस चौमुखनाथ की बड़ी महिमा है और यह बात की विदंती और सत्य है कि खजुराहो की जो शिल्प कला है उससे प्राचीन यह चौमुखनाथ भगवान का दिव्य प्रांगण है, जहाँ एक अपने आप में ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक तरंग है और देश का एक ऐसा स्थल भी है जो प्राचीनता को सजोए हुए अनेक अनेक रहस्यों को अपने आप में छिपाए हुए और साथ ही साथ चौमुखनाथ भगवान की जो शिवलिंग आपने आज तक खूब देखे, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग है पर इन शिवलिंग के अंतर्गत 4 मुख हैं जो आप दर्शन वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। महादेव के अलग अलग मुख हैं, 4 मुखों से 4 स्वरूप का दर्शन हो रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशिकांत शीशा चंदेरी से जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी,
सावन का आखिरी सोमवार है, इसके चलते शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ लगी रही। क्या माहौल चंदेरी में देखने को मिला, किस तरीके से भक्तों ने शिव अर्चना की है चंदेरी में? जी मैम, आपको बता दूं, चंदेरी में लगातार से भक्तों का मंदिर में जमावड़ा देखने को मिला है। भक्तों अपने तरीके से पूजा अर्चना में दिन भर डूबे रहे हैं और उपास भी रखे हैं लोगों ने, जैसी जिनकी आस्था है भगवानों के ऊपर। और मंदिरों में दूर दूर से गांव-गांव से लोग भी आए दर्शन करने के लिए मंदिरों पर। जी शशिकांत जी, वहीं कोरोना को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए क्या खास इंतजाम इस दौरान किए गए थे ताकि संक्रमण का कोई खतरा यहां पर ना बना रहे? जी, सभी भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी ने पूजा अर्चना की है और बाकी सब समझदार हैं जो भी भक्त हैं यहाँ के। जी, सावन का आखिरी सोमवार है और इसके चलते जो लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखी गई, और क्या खास इंतजाम इस दौरान देखे गए, किस तरीके से भक्ति में लीन रहे भक्त इस दौरान शिवालयों में, क्या दृश्य वहां पर देखा गया, आप बताइए। जी मैं आपको बता दूं, भक्त मंदिरों में दिन भर रहे और उनकी पूजा अर्चना अभी भी चल रही है। कोई लगातार दूर दूर से भी आ रहे हैं तो मंदिरों में लगातार देखे जा रहे हैं। जी शशिकांत जी, वहीं आखिरी सोमवार जैसा कि था, सोमवार सावन का आखिरी सोमवार था और इसके चलते शिवालयों में भीड़ देखी जाती है भक्तों की, अमूमन जो दिन होते हैं उनके उनसे अगर देखा जाए तो उनके बनिस्बत सावन के सोमवार के दिन ज्यादा भीड़ भक्तों की देखी जाती है, तो किस तरीके से प्रबंध यहां पर किया गया था और किस तरीके से जितने भक्त, काफी संख्या में भक्त आए होंगे और दर्शन यहां पर शिवलिंग के यहां पर किए होंगे, तो किस तरीके से पूरा प्रबंध किया गया था और दर्शन किस तरीके से हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं, भक्त लगातार मंदिर में देखे जा रहे हैं और लगातार उनकी व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन द्वारा की जा रही है और अच्छे से सभी लोग जो भक्त हैं वो सभी लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। जी शशिकांत जी, इसके साथ ही क्या खास विशेष आयोजन इस दौरान रखे गए थे और क्या इन आयोजनों पर किसी न किसी तरीके से कोरोना संक्रमण का कोई असर देखा गया या लोगों में जोश तो यहां पर कम नहीं है, शिव भक्ति से लोग जो भक्त हैं वो यहां पर भरे हुए हैं, लेकिन क्या जो तमाम आयोजन होते हैं उन पर संक्रमण का कोई प्रभाव देखा गया? जी मैं बता दूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भक्त भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो तो लगातार मंदिर में देखे जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का भय खत्म हो चुका है धीरे धीरे लोग बागों में। जी 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 शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार शिवालयों में आज पूरे दिन, आखिरी सोमवार सावन का बताया जा रहा है और इसी दौरान भक्तों की भीड़ शिवालयों में लगी हुई है, सुबह से ही भक्तों का तांता शिवालयों में लगा रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करने की बात यहां कही गई थी, लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि जो तमाम आयोजन होते हैं मंदिरों में उनमें यहां पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही, यहां पर शिव भक्त भी आए, दर्शन किए गए। इसके साथ ही जो भक्ति के लिए, पूजा अर्चना के लिए जो तमाम आयोजन किए जाते हैं, संगीत भजन वगैरह, वो सब यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो भक्त आए थे उन्होंने काफी अच्छे से यहां पर शिव जी के दर्शन किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों में लोगों का, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहा, संगीतमय यहाँ भक्त भजन यहाँ पर आयोजन हुआ है और शिव का श्रृंगार यहाँ पर किया गया, पूजा अर्चना यहाँ पर हुई और जो भक्त थे वो शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन यहाँ पर दिखे हैं। कई तरीके के आयोजन हुए हैं, झांकी और तमाम जो आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं वो देखे गए। वहीं रायपुर से हाल जानने के लिए हमारे साथ अखिलेश तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या माहौल, सावन का आखिरी सोमवार है और इसे देखते हुए क्या माहौल रायपुर में दिखा है, शिवालयों में किस तरीके से रौनक देखी गई और क्या उत्साह भक्तों में देखा गया है रायपुर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन?
देखो वहाँ पे जो आज भी सोमवार है उसमें लोगों का भीड़ काफी ज्यादा लगी है, मतलब काफी स्थिति लगी हुई क्योंकि लोग शिवालय में सहज और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि महादेव घाट बुढ़ेश्वर मंदिर जो ऐतिहासिक शिवलिंग है उसपे लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह के साथ साथ कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग मास्क और सैनिटाइजर से व्यवस्थापन दे करके ही आगे बढ़ रहे हैं। और कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो निश्चित तौर पे वहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग के अनुसार ही अंदर अनुमति दी गई है और जलाभिषेक करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। खासतौर से महादेव घाट मंदिर में एक वैकल्पिक रूप से किया गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए वहां अनुमति दी गई है। ऐसे में खासतौर से रायपुर राजधानी में इस तरीके से माहौल देखने से प्रशासन तो काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि इस तरीके की सावधानी और लोगों के अंदर जागरूकता देखने को मिल रही है, ये काफी अच्छी चीज है। और इसके अलावा लोगों के खासतौर से आखिरी सोमवार की वजह होने की वजह से आज लोगों का भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अब भी शिवलिंग में जलाभिषेक घी सहज लेकर के पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए शिवलिंग में जलाभिषेक कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, वही सावन का आखिरी सोमवार है, सावन काफी प्रिय महीना माना जाता है शिवजी के लिए, वही क्या खास आयोजन इस दौरान यहाँ पर देखे गए, क्या कोरोना संक्रमण का असर कहीं ना कहीं सावन के दौरान जो आयोजन किए जाते हैं आखिरी सोमवार है लोगों में भी यहाँ पर भक्ति देखी जाती है, क्या किस तरीके से जो संक्रमण का दौर हम झेल रहे हैं उसने इन आयोजनों को किस तरीके से प्रभावित किया है? जो संक्रमण का जो दौर गुजर रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में राजधानी रायपुर क्षेत्र को मिल रहा है कि लोग जागरूक हैं और इसके साथ साथ मंदिरों में व्यवस्थापक रूप से एक प्रयोजन किया गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से आने का योजना बनाई गई है, लोगों के हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है, जिसके पास मास्क की व्यवस्था नहीं है मास्क भी दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखने को मिल रहा है कि खासतौर से जो पुलिस बल है उसको भी लगाया गया है, लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर बकायदा जैसे महादेव घाट हो गया या बुढ़ेश्वर मंदिर हो गया और भी यहाँ ऐतिहासिक जो शिवलिंग है तो उसके अनुसार वहाँ बकायदा नगर निगम द्वारा जो चलानी कार्रवाई करने वाली जो प्रक्रिया है वो भी स्थानीय रूप से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे लोग तो जागरूक है ही लेकिन प्रशासन भी गंभीर है इस विषय को लेकर के, और निश्चित तौर पे दोनों की मदद से यहाँ की व्यवस्थापन जो की गई है वो काफी काबिले तारीफ है। और ऐसी स्थिति में नगर निगम कई ऐसे भी जो उदंड लोग हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की है, तो लगभग ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ की जो व्यवस्थापन है वो काफी अच्छी किस्म के हैं और लोगों के अंदर जो जागरूकता आई है वो काफी अच्छी चीज है। तो निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं अगर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं तो एक अपनी शेड्यूलिंग के हिसाब से पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे नियम का पालन कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें सुबह से ही भक्तों का शिवालयों में तांता लगा रहा, पूजा अर्चना यहाँ पर की और कई विशेष आयोजन भी इस दौरान हुए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत यादव मुंगेली से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सावन का आखिरी सोमवार है, भक्ति में भक्त लीन है और शिवालयों में भी यहां पर किस तरीके का माहौल आज आखिरी सोमवार के दिन देखा गया मुंगेली में, बताइए। अजीत जी, हमारी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? अजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है और इसे देखते हुए कई विशेष आयोजन भी यहां पर किए गए और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किए जाने की बात भी यहां पर सामने आई है। देश भर में सावन के आखिरी सोमवार को देखते हुए पूजा अर्चना का दौर जारी है, सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और लोग यहां पर दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष प्रबंध भी लोगों की भीड़ को देखते हुए शिवालयों में किए गए ताकि बिना किसी दिक्कत के और काफी सामान्य रूप से जो भक्त हैं वो शिव के दर्शन कर सके और पूजा अर्चना कर सके, इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखते हुए विशेष प्रबंधन यहाँ पर विभिन्न मंदिरों में मंदिर प्रबंधन द्वारा यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो शिवालय में भक्त आ रहे हैं वो
आसानी से शिव दर्शन कर सके और शिव की पूजा अर्चना कर सके। वहीं जयपुर का हाल जानेंगे, संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सावन का आखिरी सोमवार है, भक्ति में जो भक्त हैं वो लीन हैं, किस तरीके का माहौल सावन के आखिरी सोमवार में आज देखा गया, दिन भर किस तरीके से शिवालयों में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए आए हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, आज जो सावन का आखिरी सोमवार है और उस दौरान जो हम यहाँ जयपुर में तारकेश्वर जी मंदिर है जो शिव जी का काफी बड़ा मंदिर है और काफी पुराना भी है, वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और भगवान को मनाने की नाना प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज सोमवार है और सोमवार विशेष तौर पे लेडीज इसका इस दिन का ज्यादा माना जाता है कि कुछ अच्छा वर पाने के लिए, कुछ वर्क लंबी उम्र के लिए, हर तरीके से इसको विशेष महत्व माना जाता है। तो आज लेडीज भी बढ़ चढ़ के वहां पे भक्तों में आई हुई है और पूजा अर्चना कर रही है, लगातार ही लोगों के तांता लगा हुआ है, वहां पे लोग आए जा रहे हैं और अभिषेक करे जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि पूरा मंदिर भरा हुआ है। वहाँ कोविड के चलते पिछली बार की तरह चीजें थोड़ी सी सख्त है, चीजों को देखा जाए तो चीजें थोड़ी सख्त है, लोगों को प्रॉपर लाइन में आने को कहा जा रहा है, मास्क का प्रॉपर यूज करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, कई जगह थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिली है इस चीज को लेकर, कुछ जगह भक्त इस चीज को नजरअंदाज करते हुए भी दिखे हैं, पर उस कुल मिलाकर चारों तरफ लोग भक्ति में भाव विभोर होकर इस दिन को आज मना रहे हैं। जी गौरव, वहीं इसके साथ ही सावन का आखिरी सोमवार है, इसे देखते हुए क्या विशेष आयोजन जो थे वो शिवालयों में देखने को मिले हैं, साथ ही भक्ति संगीत और क्या तमाम आयोजन थे जो यहां पर देखने मिले हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे विशेष तौर पे सभी मंदिरों को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, सारे मंदिरों को विशेष श्रृंगार किया गया है। जब आपको बता दूं जो शिवलिंग जो होता है जिसपे दुग्धाभिषेक किया जाता है उसका विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है, और आज शाम को, सुबह से दुग्धाभिषेक चल रहा था, उसके बाद शाम को एक विशेष तौर पे झांकी भी वहां सजाई गई है जिसका पूरा फूलों से वहां पे श्रृंगार किया गया है। तारकेश्वर जी मंदिर में फूलों का श्रृंगार किया गया है, शिवलिंग को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है और झांकी बढ़िया, बहुत सुंदर और विशेष झांकी सजाई गई है। साथ ही अभी मंदिर में एक भक्ति संध्या का भी आयोजन होने जा रहा है जिसके अंदर वहां पे विशेष एक मंडली आई है जो कि भजन कीर्तन वहां पेश करेगी, भजन कीर्तन करेगी और एक अलग माहौल चलेगा जो कि अब लगभग आज शाम को करीब 7 बजे से ही शुरू होगा ये आयोजन और आगे तक चलेगा, ये रात को 9-10 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद शयन आरती होगी और शयन आरती के बाद मंदिर को के द्वार बंद किए जाएंगे। जी गौरव, वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए किस तरीके का असर यहां पर देखने को मिला है, क्या लोग यहां पर कम आए हैं जो भक्त है, या फिर क्या आयोजनों में किसी तरीके का इसका किस तरीके से प्रभाव देखा गया है संक्रमण का आज के सावन के सोमवार के दिन? देखिए, ऐसा है कि कोरोना का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है, हर आयोजन पे देखने को मिल रहा है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पे भी इसका असर देखने को मिला, और उसी तरीके से आज सावन के सोमवार में भी असर तो देखने को मिल रहा है, पर हाँ, कहीं ना कहीं भक्ति को अगर हम जोड़कर देखें तो इतना हावी नहीं हो पाया है कोरोना। तारकेश्वर जी के मंदिर में जिस तरह की भीड़ नॉर्मल समय में हुआ करती थी, नॉर्मल टाइम में सावन के सोमवार पे हुआ करती थी, उसी तरह की लगभग भीड़ है। हाँ, कुछ प्रतिशत, हम प्रतिशत में अगर गिने तो ज्यादा नहीं कहेंगे, बट 20% लोगों का लोग कम आए हैं, 20% की गिरावट है, पर तो 80% लोग अभी भी वहाँ आ रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस की पूरी पालना करने के लिए कहा जा रहा है, लोग पालना भी कर रहे हैं, पर हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ एक लोग जो कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे, कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे, उनको मंदिर प्रशासन द्वारा समझाया जा रहा है और उनपे कोविड गाइडलाइंस की पालना करने को कहा जा रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ भक्त आज मना रहे हैं, सावन का आखिरी सोमवार है, इस पर पूरी पूजा अर्चना हो रही है, भीड़ में ऐसी कोई विशेष कमी देखने को अभी नहीं मिल रही है। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि लोगों में किसी भी तरीके की भक्ति की यहाँ कमी नहीं देखी जा रही है, उतने ही लोग यहाँ पर मंदिरों में हैं जितना पहले हुआ करते थे,
और सावन का ये सोमवार जो है इसमें भक्ति में लीन भक्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं जबलपुर का हाल जानने के लिए हमारे साथ यहां पर कपिल दुबे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, सावन का आखिरी सोमवार है, भक्त जो है वो भक्ति में लीन है, किस तरीके का माहौल आज देखा गया सुबह से लेकर शाम तक, किस तरीके से भक्त यहां पर अपनी भक्ति के साथ मंदिरों में आए और क्या माहौल पूरा रहा है सोमवार के दिन का, विस्तार से बताइए। जबलपुर सरकार धानी के सावन सोमवार को देखकर काफी भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। इस समय देखा जाता है कि भगवान की पूजा अर्चना सभी लोग भक्त लोग काफी कोरोना काल में भी भक्ति का कहीं ना कहीं असर नजर आता है। इसके बाद भी आज पानी का भी माहौल बना हुआ है जबलपुर में, रिमझिम बारिश भी लगी हुई है, इसके बाद भी काफी पब्लिक मंदिरों में आती जाती नजर आ रही है। जी कपिल, वहीं सावन सोमवार जो होता है, सावन का महीना शिवजी को काफी प्रिय होता है, वहीं किस तरीके से विशेष आयोजन इस दौरान देखे गए हैं मंदिरों में और साथ ही लोगों ने घरों में भी किस तरीके से सावन का आखिरी सोमवार बनाया है। हर घरों में जा जाके देखा जाता है कि हिंदू धर्म में मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की जा रही है ना, लोग अपनी नर्मदा जी जहाँ पे तो वहाँ पे लोग दाने भी जा रहे हैं और मंदिरों में देखो बेलपत्री फूलों को लेकर आदमी जा रहा है, भंडारे चल रहा है जगह जगह, शारदा लोक मंदिर पर शारदा मंदिर का मंदिर है जहाँ झंडे भी चढ़ाए जा रहे हैं। जी वहीं कपिल आपसे जानना चाहेंगे कि जो शहर में जो मंदिर है इस दौरान मंदिर प्रबंधन में किस तरीके से यहां पर प्रबंध किया गया ताकि जो सभी भक्त हैं, क्योंकि काफी भीड़ इस दौरान देखी जा रही होगी शिवालयों में, किस तरीके से दर्शन अच्छे से हो इसे ध्यान में रखते हुए क्या विशेष कोई प्रबंध यहां पर किया गया है मंदिर प्रबंधन द्वारा? मंदिर प्रबंधनों में पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्थाओं को लेकर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को अगर देखते जा तो उसका भी पालन किया जा रहा है, लेकिन भक्तालों में मंदिर में जगह कम होने की वजह से भीड़ ज्यादा एकत्रित हो रही है, तो कुछ समय समय पे आदमियों को दर्शन कराए जा रहे हैं। जी कपिल, इसके साथ ही किस तरीके से जो कोरोना काल अब तक हम झेल रहे थे, कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या किस तरीके का असर देखा गया है, क्या यहाँ पर फर्क देखा गया है पिछले सोमवारों में और जो पिछले सालों हमने देखा था, लेकिन इस बार किस तरीके का फर्क देखा गया है संक्रमण को लेकर बताइए। अगर कोरोना संक्रमण की अपन बात करते हैं तो मंदिरों में इस प्रकार के फिर भी भक्तों की भीड़ जगह की कमी है जी, लेकिन भीड़ को देखते हुए ये नहीं लगता कि कहीं बीमारी है, उनके मन भी आज भी आस्था है और इस प्रकार की आस्था है कि भगवानों के देखे आज जगह जगह मंदिरों में काफी भीड़ की नजर आती देखती जा रही है और अभी भी भीड़ लगी हुई है पानी बरसने के बाद भी काफी। जी कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको हम बता दें कि लगातार सावन सोमवार आज है और शिव भक्त जो है वो शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन आज दिखे हैं, विशेष आयोजन भी यहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में जानेंगे, मुकेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सावन का आखिरी सोमवार है, मुकेश जी किस तरीके से यहां पर देखा गया सावन का आखिरी सोमवार है और जो भक्त हैं वो शिव भक्ति में किस तरीके से लीन दिखे हैं, माहौल क्या रहा सावन के आखिरी सोमवार का छिंदवाड़ा में? मुकेश जी, दर्शन करने के लिए जी किस मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं एक बात कि जो हमारे छिंदवाड़ा का जो महाकाल मंदिर है ये पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पे ताजे मुर्दे की जो भस्म होती है उससे महाकाल का अभिषेक किया जाता है, जो उज्जैन के बाद छिंदवाड़ा दूसरे नंबर पे आता है। जी मुकेश जी, इसके साथ ही सावन का आखिरी सोमवार है, सावन काफी प्रिय है शिव को और इसे देखते हुए क्या खास इंतजाम इस बार किए गए थे सावन के आखिरी सोमवार के लिए? जी, सावन के आखिरी सोमवार पे श्रद्धालु के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं की गई थी, कोरोना प्रोटोकॉल को भी देखते हुए सभी को हिदायत दी गई थी कि मास्क पहन कर ही प्रवेश करें और दर्शन करें। जी मुकेश जी, वहीं इसके साथ ही अगर सावन के आखिरी सोमवार को अगर कोरोना को देखते हुए यहां पर किस तरीके के प्रबंध किए गए थे, क्योंकि जो शिवालय हैं इस दौरान काफी भीड़ देखी गई होगी शिवालयों में, तो इसे देखते हुए किस तरीके से प्रबंध यहां पर किए गए थे ताकि जो लोग हैं जो भक्त हैं वो शिव के दर्शन आसानी से और बिना किसी दिक्कत के कर सके? जी प्राची जी, मैं आपको बता दूं प्रशासन के द्वारा पर्याप्त यहां पर इंतजाम किए गए थे और ये जो मारुति नंदन
सेवा समिति के अधीन चलता है ये मंदिर, उसके माध्यम से भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है और इसे देखते हुए जो शिव भक्त हैं वो भक्ति में लीन यहां पर देखे गए हैं। कोरोना संक्रमण का यहां पर भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं देखा गया है। वहीं भक्त जो हैं पूरी तरीके से शिव भक्ति में लीन आज देखे गए हैं। आखिरी सोमवार आज मनाया गया और इसके साथ ही संक्रमण को देखते हुए जो शिवालय हैं वहां पर भी विशेष प्रबंध किए गए थे ताकि आसानी से जो शिव भक्त मंदिरों में आ रहे हैं वो दर्शन यहां पर कर सके। फिलहाल के लिए आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।